मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है, और मुझे तो कहते हैं कोई गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीओ का उठ रहा था शायद, ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इससे मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोगों से जो महीने दो महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम कर आज तो क्या कर रहे हो पार्टी में, क्या जीवाड़ी तुम हुए भाई, तो कह रहा है कि पार्टी में जीवाड़ी का हम पीके के साथ हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है, और मुझे तो कहते हैं कोई गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीओ का उठ रहा था शायद, ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इससे मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोगों से जो महीने दो महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम कर आज तो क्या कर रहे हो पार्टी में, क्या जीवाड़ी तुम हुए भाई, तो कह रहा है कि पार्टी में जीवाड़ी का हम पीके के साथ हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है, और मुझे तो कहते हैं कोई गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीओ का उठ रहा था शायद, ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इससे मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोगों से जो महीने दो महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम कर आज तो क्या कर रहे हो पार्टी में, क्या जीवाड़ी तुम हुए भाई, तो कह रहा है कि पार्टी में जीवाड़ी का हम पीके के साथ हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है, और मुझे तो कहते हैं कोई गुरेज नहीं कर, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीओ का उठ रहा था शायद, ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इससे मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बढ़ रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाजा नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोगों से जो महीने दो महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम कर आज तो क्या कर रहे हो पार्टी में, क्या जीवाड़ी तुम हुए भाई,